कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश की संस्कृति हिमाचल प्रदेश की परंपरा इस देवभूमि को जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति नहीं है परंपरा नहीं है उसके विपरीत बयानबाजी कर रहे हैं, माननीय विधायकों को पशुओं की तुलना भेड़ बकरियों में लिया जा रहा है, सांप में लिया जा रहा है, काले नाग में लिया जा रहा है, और देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्षा रीता बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ी, जम्मू कश्मीर के और भारत के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी, ज्योतिराय सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, और हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के तीन कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों ने कांग्रेस छोड़ी, जिसमें कांगड़ा के विधायक पवन राणा जी है, पवन काजल जी है, और हर्ष महाजन जी है, अभी हाल ही में राजेंद्र राणा जी ने छोड़ी है। और कांग्रेस पूरे देश के अंदर 2004 से 2014 के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ था, अच्छे लोग नियतर नीति जिनकी साफ थी उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है या अलग पार्टी बनाई है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा था, पूरे देश को कांग्रेस ने दोनों हाथों से लूटा था। आज प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों के अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं। जैसे मुगल जब आए थे, मुगलों ने जैसे हिंदुस्तानियों को प्रताड़ित किया था, उसी तरह ये भी हमारे को प्रताड़ित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रताड़ित कर रहे हैं। पर यह सरकार कुछ दिन की है, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये सरकार अल्पमत में है और षड्यंत्र के माध्यम से सरकार बच गई, नहीं तो विधानसभा के अंदर अगर 15 विधायकों को निष्कासित ना करती तो सरकार गिर गई थी। षड्यंत्र कब तक चलेगा, सरकार गिरनी तय है। हमारी मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग है कि आप अल्पमत की सरकार को मत चलाएं। हिमाचल प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है, हिमाचल प्रदेश की जनता विकास के लिए तरस रही है। आपके झूठे वायदे, आपने जो डी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन किए हैं, इसे हिमाचल प्रदेश की जनता और चुने हुए प्रतिनिधि बहुत ही अपने आप को प्रताड़ित समझ रहे हैं। जिस विधायक को SDM ने शपथ लाई, इलेक्शन कराया, वो SDM ऑफिस आपने बंद किया। जहां विधायक और चुने हुए प्रतिनिधि इलाज करने हॉस्पिटल में गए, वही हॉस्पिटल आपने बंद कर दिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा रोष है और कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।